हम भैया गाड़ी जा रही है, हम इसका पान धोते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमने गाड़ी फाइनलाइज करी है वो है स्कॉर्पियो एन। ये महिंद्रा स्कॉर्पियो एन कितनी मस्त लग रही है यार। पर्दा पर्दा उठाते हैं और इसको घर लेके चलते हैं। घर पे किसी को नहीं पता कि हम लोग गाड़ी लेने आए हैं, सबके लिए सरप्राइज है। हम चारों को बताया कि गाड़ी आ रही है, किसी को भी आइडिया नहीं है भाई। अब शोरूम वालों को भी पता चल गया कि हम स्कॉर्पियो एन ले रहे हैं, वरना किसी को पता ही नहीं है कि हम गाड़ी लेने आए हैं, क्या करने हैं। आज यार मंगलवार करवा दिया गाड़ी के बारे में। घर से भाई अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है भाई। महिंद्रा अच्छा लग रहा है। थार महिंद्रा भी लिखा थी और फिर स्कॉर्पियो महिंद्रा भी लिखा थी, पर कैसा होगा? महिंद्रा की गाड़ी फली ना रही ले यार। महिंद्रा की जो आ रही है वही जा रही है। महिंद्रा की वजह के पता फोड़ ले रहे हैं फोड़। हमने ये गाड़ी पाकिस्तान में भी घुमाती है, पाकिस्तान बॉर्डर पे, पाकिस्तान इंडिया। भाई आखिरी बार निकलते हुए हमारे स्कॉर्पियो एन घर से। So sad to see this. अब आगे देखो, डोर अलग ही पिसन रो, देख पीलो, देख पीलोपन है ना, और सारी वाइट, बाकी पूरी वाइट, और बोनेट भी पीलो क्योंकि उनने बाद में करी है। अगर गौर से देखा तो कोई बहुत ज्यादा भाई। अभी इन नोटी बच्चों की बात सुन के आप एकदम शोक रह होंगे कि क्या ही बात बोल रहे हैं। ये करता हूँ भाई, सारा एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उसके लिए हमको पहले जाना पड़ेगा 10 दिन पीछे। इंस्पेक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये गाड़ी भाई दो कामों के लिए केवल घर से निकलती है। एक तो महिंद्रा के सर्विस सेंटर आने के लिए, कोई काम वाम पड़ गया इसमें, कोई चुटर मोटर चीज आ गई। दूसरा बिकने के लिए, इंस्पेक्शन होने के लिए। तो अभी वो अलग ऑटोज वाले भाई मैंने बुला रखे हैं। इस बार मैं सीरियस हूँ थोड़ा सा इस गाड़ी को बेचने के लिए, क्योंकि जब से इंडेवर ली है ये घर में खड़ी है। हम तीसरी गाड़ी हमारे भाई वो नहीं होती यार, मतलब काम में नहीं आती। मैंने ये चीज़ करके देख ली, सेल्टोस थी जब थार स्कॉर्पियो एन थी, उस टाइम पर थार की ऐसी हालत हो गई थी जैसी अभी इसकी है। क्या है कि भाई खड़ी है बस। देखो लोकल में चलाने के लिए जैसे आसपास शहर वहर में गए तो वहाँ पे चला लेते हैं हम लोग सेल्टोस, अपनी वो बेस्ट है, माइलेज भी 17-18 की दे देती है। अगर बाहर हाईवे पे जाना है 7 सीटर कई बंदों को बिठा ले जाएं तो इंडेवर हो गए, तो इसका कोई पर्पज है नहीं है। और हम तीन बाप बेटे हैं, ऐसा तो है नहीं भाई तीनों को कहीं ना कहीं जाना रहता है, फायदा नहीं है ना। इससे अच्छा मैं कोई कहीं पर इन्वेस्ट करूँगा यार, इसका इंश्योरेंस करवाओ, मेंटेनेंस करवाओ, लोहे को गलाओ, इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती रहती है। कहीं पर इसकी वैल्यू 20 लाख रुपये भी निकल के आई, 20 लाख की कोई प्लॉट खरीद ली, 5 साल बाद 10 साल बाद भाई उसकी कीमत हो जाएगी 50 लाख रुपए, समझ रहे हो ना। अगर कोई अच्छी जगह पे मतलब खरीद ली रजिस्ट्री वाली, और इसकी क्या हो जाएगी 5 साल बाद भाई वैल्यू पता है आपको, इसकी हो जाएगी 10 लाख मात्र। तो किस में फ़ायदा किस में घाटा, जब चीज़ कोई काम की नहीं है तो उसको बेच देना ही सही है मेरे अकॉर्डिंग। तो भाई जो मेरी सोच कहती है, बाकी तो भाई लोग कुछ भी गए, कंटेंट निकल गया, वो निकल गया भाई। आजकल दुनिया प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा भरोसा रखे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने पहले दो महीने पहले वैल्यू लगाई, तब तो 21 लाख लगाई थी, इस बार देखते हैं 2 महीने में ये कितनी वैल्यू यहाँ पे तोड़ देते हैं। चुपचाप शांति से करने लग रहे हैं, वो स्पिनी वालों की तरह बकवास नहीं करते, टायर ये घुस दिए तुमने, मीटर बैक करवा रखा, ये बैक करवा रखा, वो बैक करवा रखा। जो मैंने वीडियो डाल दी थी ना स्पिनी के हेडक्वार्टर से फ़ोन आया मेरे पास कि सॉरी सर वो गलती हो गई, वो मैडम ने आपसे बोला कि मीटर बैक करवा रखा है उनको, उन्होंने वो मीटर बैग नहीं था उसमें था मिरर रिप्लेस, तो उन्होंने गलती से पढ़ लिया कि मीटर बैग। मतलब मैं कह रहा एक बार गलती हो जाती है पढ़ने में, मिरर रिप्लेस की जगह उन्होंने पढ़ लिया मीटर रिप्लेस। मैं कह ऐसे कैसे हो सकता है यार, फिर वो सॉरी बोरी अपोलोजाइज करें, ये करें फलाना ढिमकाना। तो उसके बाद मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उसमें उन जो मैडम थी जो वो ऐसे बोल रही थी, बदतमीजी से बात कर रही थी कि मीटर बैग है मीटर बैग है, उनको वहाँ से निकाल दिया था वो कह रहे थे मेरे को, तो वो बता रहे थे जो सर थे हाई ऑफिशियल्स कोई। उस टाइम की तरह नहीं चल, बेस्ट आएगा इस टाइम प्राइस सर। ओलेक्स एक्स्ट्रा तो बेस्ट देती है सर, ओलेक्स बेस्ट देती है, स्पिनी भी स्पिनी से भी अच्छा देती है सर। अब मैं दूसरी कंपनी का कंपैरिजन नहीं कर सकता, बट ये है कि हमारी कंपनी अच्छा प्राइस दे रही है अभी फिलहाल, अभी भी दे रही है, पहले भी देती थी, पहले का पता नहीं सर, फीडबैक आपको अच्छी तरह मालूम होगा, लेकिन अभी अच्छा दे रही है। अब कितना अच्छा दिया तो आप देख ही रहे हो भाई, देने के नाम पे कुछ भी ना दिया उन्होंने, हाथ खड़े कर दिए, सॉरी भाई हम पे ना खरीदी जाएगी तुम्हारी गाड़ी। भाई हमारी गाड़ी हर कोई थोड़ी उठ पाएगा। तो फिर मैंने स्पिनी वालों पे इंस्पेक्शन करवाया कि भैया तुम भी आ जाओ, लगे यार तुम भी बता दो कि क्या वैल्यू लग पाएगी 11 महीने पुरानी स्कॉर्पियो एन की, 4x4 डीजल मैनुअल।
तो भाई अब आपने देखा होगा एकदम इंस्पेक्शन करवा लिया, उसके बाद अब आगे का क्या सीन। इंस्पेक्शन हुए हो गए भाई कोई 10 दिन, ओएलएक्स ऑटोज दोनों पे करवाया, स्पिनी पे, और रिजल्ट क्या आया, ओएलएक्स ऑटोज वालों ने हाथ खड़ी कर दी, उनका मैसेज आता है वी कांट से मतलब बाय योर कार और ऐसे पता नहीं क्या क्या, मैंने उनको इग्नोर मार दिया। ओएलएक्स ऑटोज मतलब उन्होंने पहले मैंने थार बेच के उनको गलती कर दी थी, स्पिनी वालों ने रेट इसका लगा दिया ठीक ठाक सा, ठीक ठाक तो क्या मतलब बहुत ऐसे ही लगाया यार अजीब वगैरह, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो भी 10 दिन बाद। पहले के मतलब कॉल आता है फिर रोज मैं ना करूं, फिर वो थोड़ा बढ़ाए ना करूं, वो थोड़ा बढ़ाए, ऐसे कर करके उन्होंने फिर ठीक ठाक रेट बता ही दिया। तो अभी एक्चुअल बात है कि भाई मैं इसको सेल आउट कर रहा हूँ आज, फाइनली मेरे को प्राइस थोड़ा ठीक लगा इस गाड़ी का, तो मैंने सोचा निकाल देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट अब है नहीं। मेन रीजंस क्या है सेल करने के वो आपको मैं अभी कल की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा काफ़ी डिटेल में। अगर आप स्कॉर्पियो एन प्लान कर रहे हो तो एक बार अगर आप उसको देख लोगे तो आपको एक बढ़िया इमेज क्लेरिफाई हो जाएगी अपने आप में। मतलब महिंद्रा दे तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट ना कर सके, ऑथोराइज वर्कशॉप में ऐसा काम होएगा, इतनी ज़्यादा मिसमैच होएगी। मतलब भाई मेरा सच में कोई प्लान था नहीं इसको सेल आउट करने का, मैं तो इसमें पलकार प्ले अपडेट करवाने का था एक दिन, तो मैंने ऐसी फरीदाबाद में वो स्पिनी और ओएलएक्स वाले इंस्पेक्शन के लिए बुला लिए थे। अब मैंने सोचा एक बार देख तो लेता हूँ रेट क्या, क्योंकि अगले साल इसका इंश्योरेंस आने वाला है और चल भी ये 20,000 किलोमीटर गई है और इसकी सर्विस भी आती है 10-15 हज़ार का वो खर्चा, 50,000 रुपये का इंश्योरेंस, 50,000 ऐसे भाई 4x4 है ये और थोड़ी सी टॉप मॉडल है तो उसका महंगा ही करते हैं इंश्योरेंस वाले ना, तो खामा खाएँ कि 65,000-70,000 रुपये लगाने से अच्छा और खड़ी खड़ी घर में फायदा नहीं था ना कोई भी। अब आप सोच रहे होंगे कि फायदा नहीं था खड़ी खड़ी क्यों क्या बोल रहा है ये भाई। एक्चुअली बात ये है कि अब जैसा कि आपको पता है मैं ये खरीद लाया फोर्ड रैप्टर, अब 4x4 ये चल रही है तो इसको ज़्यादा चलाने वलाने का ऐसे मन करता ही नहीं है भाई। तो दूसरी चीज़ रेट, इसके साथ भाई बवाल बहुत हो रखे हैं, सीन बहुत सारे हैं इसको। कल को मैं इसको बेचने जाता हूँ तो प्राइवेट तो लोग वही डीलर वीलर ऐसे कहते हैं कि यार इसमें ये सनरूफ वनरूफ का इशू और वो सब कि पानी वानी लीक हो गया था, मतलब ऐसे कोई सोचता ही नहीं है कि अच्छा अगर गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई तो वो रिपेयर भी तो होती है, ऐसे कोई सोचता ही नहीं है उस तरीके से सब कह रहे तो वही गाड़ी है जिसमें से पानी लीक हुआ था ये हुआ था। फिर थोड़ा खट्टापन तो चला ही जाता है, जैसे महिंद्रा ने उस पर रिएक्ट करा था उस वीडियो पे हमारी पे एज अ कस्टमर, और जो उनकी सर्विस वगैरह है थोड़ा सा उस चीज़ से निराश हो गए। बाकी मेन रीजंस प्रॉब्लम्स भी हैं गाड़ी में भाई जो आपको मैं बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, लेकिन अब स्पिनी वाले भाई आने वाले हैं उसको इसको पिक करने के लिए, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आई और ना मेरे पास मेन बात छजरी, इस बात मैंने निकाल दी है। बाकी एक बार बड़े भाई से भी सुन लेते हैं कि उनके क्या विचार हैं भाई इस गाड़ी के बारे में, उसके बाद फिर मैं आपको बता। एक वो दिन था भाई जब हम इस गाड़ी को लेने के लिए गए तो हम इतने सुपर ड्यूपर एक्साइटेड थे, हम लद्दाख से आए थे जब हमने पहली बार इस गाड़ी को देखा था जलंधर में, और भाई ये एवरग्रीन कलर है ना ये मस्त लगेगा, हम इस गाड़ी से एकदम प्यार कर बैठे थे कि भाई साहब गाड़ी चाहिए तो यही गाड़ी चाहिए। उसके बाद में इसको हमने वहाँ पे बुक करा दिया, इसकी बुकिंग के लिए कैसे दोपहर में बैठे रहे लोग बुक करने का नहीं, वो बुक ना हो रही। फाइनली फिर ये गाड़ी हमको मिली फर्स्ट डे ली थी हमने, ये फर्स्ट डे 4x4 मैनुअल और एरिया में बहुत हमारी ही थी पहली गाड़ी, 26 सितंबर को हम लेके आए थे चंडीगढ़ भाई से इसको लेने के लिए, और बैग में पैसे वैसे लेकर ये सब ऐसे हमने कंटेंट बनाया था, ट्रेन से गए थे गाड़ी से आए थे भाई, दैट वाज सो मच फन। और हम भाई इसके साथ बहुत ट्रिप्स मारी हैं, स्पीति, नेपाल, ऋषिकेश, 20,000 चला दिए हमने 11 महीने में कुल, इतनी सारी ट्रिप्स मारी हैं फिर भी बस 20,000 ही चली है वही कलेश करके आई है भाई। नेपाल गए बहुत मोटा किस्सा हुआ वो हम बताने ही नहीं चाहते किसी को, रहने दो। और ऋषिकेश गए वहाँ अपने आप एक्सीडेंट हो गया इसका, और मतलब स्पीति गई उसमें सनरूफ इसकी लीक कर गई थी, अब बस आप इससे आइडिया लगा लो छज नहीं रही कोई चीज तो। नहीं मतलब छोड़ो ये सब चीजें, पर इस गाड़ी को हम बहुत मिस करेंगे अपनी गैलरी में खड़े हुए, क्योंकि पहले 3 गाड़ियां खड़ी होती थी, बाइक भी नहीं निकल पाती थी, अगर ये खड़ी रहती थी मैं बाइक निकल जाएगी। और ये बिग डैडी लगती है भाई सच में, इसकी लुक वगैरह बहुत अच्छी है। ये गाड़ी वैसे लोगों की अभी भी बहुत पसंदीदा है, बट बेस मॉडल ओनली नॉट टॉप मॉडल। हाँ टॉप मॉडल इतना वर्थ नहीं लगता लोगों को पता नहीं क्यों, जबकि 26-27 लाख रुपए में काफी अच्छी गाड़ी है। विल मिस यू स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियो एन तो जा रही है, पर भाई इसकी मैं एक चीज जो बहुत ज्यादा मिस करूंगा ना वो इसके सोनी के स्पीकर्स भाई। इसके सेगमेंट में मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट स्पीकर्स हैं, जो ये 12 स्पीकर सिस्टम आता है ना सोनी का, तो मैं जो भी नेक्स्ट गाड़ी लूंगा या कुछ भी लूंगा तो मेरे को उसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए भाई। इसीलिए मैंने यहाँ पे देख सकते हो आप सोनी का ES सीरीज मंगवाया है fameofcars.com पे। ये जितने भी आप स्पीकर देख रहे हो ना उनके पास सारे अवेलेबल रहते हैं, तो प्रीमियम स्पीकर रेंज चाहिए तो गो टू fameofcars.com। ना केवल स्पीकर, इनके पास हर गाड़ी की एक्सेसरी, चाहे OEM की बात कर लो आप, चाहे एफ्टर मार्केट की बात करो, कस्टमर नंबर प्लेट्स की
बात करो, स्टिकर्स की बात करो, हर चीज इनके पास मिल जाती है। तो सारे स्पीकर्स मैंने इनकी वेबसाइट से मंगवाए हैं। ये 3000 की रेंज से स्टार्ट हो गया, 18-18 हजार तक के सोनी ये सीरीज यहाँ पे मिल जाता है, और चीपेस्ट रेट पे गारंटेड आपको करोल बाग में भी इतने सस्ते नहीं मिलेंगे जितने फेमो काजोटको में मिलते हैं। भाई फाइनली स्पिनी वाले भाई भी आ चुके हैं पिक करने के लिए। इनका एक प्री इंस्पेक्शन और होता है डिलीवरी से पहले, एक बार ये इंस्पेक्ट करते हैं चेसी नंबर वेसी नंबर। आपको पहले भी ये सारा प्रोसीजर तो दिखाई रखा है, एक बार पहले और चेक कर लेते हैं लिटिल सी, कभी कोई और तो इसमें दिक्कत नहीं है, तो वो एक बार इनको चेक कर लेने देते हैं भाई को। के पहले साल की 83,534 रुपए का तो इसका इंश्योरेंस था भाई, अब दोबारा करवाना पड़ता 50-55 का, अब भी ले जाता 4x4। ये Z8L 4x4 टॉप वेरियंट मैनुअल था, इससे ऊपर कुछ नहीं आता, ऑटोमेटिक को छोड़ के उसमें 18 इंच के व्हील्स वगैरह आ जाते हैं। तो एक बार डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद फिर होता है भाई। ये स्पिनी वालों के बहुत लफड़े होते हैं, 10 दिन पकाते हैं कम से कम भी, ना तो एक दिन कुछ प्राइस, फिर दूसरे दिन कुछ प्राइस, फिर एक बार बोल के हाई करके लो भी कर देते हैं, फिर आप मना कर दो और जो कि कैंसिल कर दो कोई बात नहीं, फिर प्राइस और अच्छा दे देते हैं, ऐसी स्कीम चलती रहती है, कोई बात नहीं, अच्छी है कंपनी। हम भैया गाड़ी जा रही है, हम इसका फार्म जोते हैं, ठीक है उसे दुख हो रहा है नहीं हो रहा भैया? नहीं हो रहा क्यों? महिंद्रा वालों को बाहर निकाल रहे हैं, महिंद्रा वाले अच्छे नहीं है, हम तो फोर्ड वाले जानते हैं, फोर्ड अच्छा है, फोर्ड बहुत तगड़ा। तभी तो हमने पहला हमारे पे महिंद्रा ट्रैक्टर था 65, उसलिए हमने पसंद नहीं करा, तो हमने भी फोर्ड वाई फोर्ड पसंद करा था, फोर्ड ठीक है, 36 सुपर लैरी पसंद करा था, बोलते हैं ना फोर्ड जानते थे, इनका ना बनाया। चलो भाई स्पिनी वालों को मैं अपनी तरफ से एक चीज गिफ्ट कर देता हूँ, ये भी ध्यान रखेंगे भाई, गाड़ी में अरुण पवार ने कुछ चीज रख के दी थी भाई जाते जाते यार, इसमें हमेशा हमने तगड़ी महक बना के रखी थी, ऑल थैंक्स टू इन्वॉल्व योर सेंसेस के परफ्यूम इतने सारे। तो यहाँ पे मैं जाते टाइम भी इसमें बहुत अच्छे वाला परफ्यूम लगा देता हूँ, जो है एक्वा हमारा इन्वॉल्व योर सेंसेस का। तो भाई इसका ये IRVM देखो कितना सूना सूना सा लगता है, इस पे मैं ये टाक देता हूँ, ये हमारी कुछ निशान इसमें रह जाएगी। ये बोतल आती है बहुत प्रीमियम सी दिखने वाली, 2 से 3 महीने तक आराम से चल जाती है। यहाँ पे मैं 2 बार स्प्रे करूंगा, और भाई चाहे SUV हो चाहे हैचबैक हो, इतनी मस्त ही मस्त महक जाती है, बहुत अच्छी, इतनी बहुत अच्छी पर फ्रेग्रेंस हो जाती है। भाई डर गए स्पिनी वाले भाई कुत्ते को देख के, खैर भाई डरना नहीं है, इस परफ्यूम को जरूर से आप खरीदना, involvercency.com पे जाके आप जरूर एंजॉय कर सकते हैं। भाई साहब बाजारों पहाड़ तक पूरी मचा रहा की, जहाँ से मैं उठाकर खड़ी ना इधर से, तो वहां से भाग के आ रहा हूँ मैं, इतनी तगड़ी महक है ना, बहुत जबरदस्त। तो इन्वॉल्वर सेंसर्स के परफ्यूम लेना मत भूलना भाई, इनको जरूर खरीदना, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो पहले भाई साइन होते हैं, उसके बाद ये रिलीज करवाते हैं हमारी पेमेंट, वो तुरंत के तुरंत RTGS NEFT IMPS जो भी होता है, मतलब व्हाटएवर, तुरंत अकाउंट में आ जाते हैं। जब तक पैसे नहीं आते भाई तब तक ये जाते ही नहीं है भाई, यहाँ से गाड़ी लेके नहीं जाते। तो ये कंपनियों का ये स्कीम तो बहुत अच्छी है यार, लेते टाइम तो जरूरत नहीं पड़ती, मतलब पापा की एक आईडी का, चाहे वो पासपोर्ट पर से वाला साइन हो। भाई जब हम लेने गए थे इनके लिए तो एकदम टोटली सरप्राइज थी ये वाली गाड़ी, पापा हार के लिए तो लिए, लेकिन इनके नाम पे ही थी हमने ये, तो कर दो ना पहले कर दो ना, कोशिश करके देखना, ट्राई कर लूंगा, देता हूं। ये फॉर्म नंबर 28 होता है, इसकी 3 कॉपीज होती है, इसकी फॉर्म 28। भाई कितने महीने में रजिस्टर करवा दोगे इसको दूसरे के नाम ट्रांसफर? मैक्सिमम 6 महीने, 6 महीने में हो जाती है ना। OLX होता उसका तो आज तक उनको बहुत बुरा हाल है, थार को OLX वाले ने आज तक भी ना करवाई, आज तक भी तुम 6 महीने नहीं होती तो क्या होता, तुम अपने नाम करवा लेते स्पिनी के नाम? नहीं सर, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि गाड़ी कहाँ पर खड़ी है, आपको इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे हम, जाकर आप देख सकते हैं। तो देख के क्या करेंगे, उल्टी दे देंगे हमको फ्री में? जब तक सेल नहीं होती है, जब तक हम आपके पास एग्रीमेंट रहता है, कुछ भी गाड़ी के साथ होता है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, पुलिस वाले पकड़ते हैं, पुलिस चालान होता है, सब उसकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्पिनी की होगी, कंपनी की है, विद इन टाइम डेट के साथ में आ जाओगे। 36 वाले रे ध्यान धर मेरे पे, 36 मिला है पूरे गुण तेरे ते, फोर 36 वाले रे ध्यान धर मेरे पे। ये रही दोनों कीज भाई, जब आती है कितनी खुशी होती है सबको, चाहिए पहले और जब जान मोड़ लगाते तो आ जाओ। ओके कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, देखते पब्लिक आ जाएगी, हम नहीं कर रहे ऐसी मोड़ लगा रहे। अब तो भैया तू भाई जोश में कोई बात ना भाई, गाड़ी नहीं देनी हमको कोई बात ना। अब तो गई भाई, अब तो गई। आज बारिश भी होने वाली है, कहेंगे आज अरुण ने कितना
वो कर दिया। अच्छा है ना, उसमें आपके आंसू किसी को नहीं दिखेंगे इस जालिम दुनिया में। और भाई एक चीज हो रहा है, स्पिनी वाले ना कभी भी, जैसे आपने आफ्टर मार्केट जो मॉडिफिकेशन करवाए रखते हैं एक्सेसरी वगैरह, उसके कभी पैसे नहीं देती है ना भाई, ऐसे ही है ना, बस जो गाड़ी का मॉडल है उसके उस पे ही पैसा। आप चाहे 5-10 लाख कितने का जैसा अलॉय व्हील वगैरह लोग डलवा लेते हैं, उसका कोई पैसा नहीं मिलता भाई। जब दुनिया की गाड़ी आती है तब बारिश होती है, आज हमारी जा रही है तभी बारिश होने लग गई, कमाल ही हो गए भाई। तो भाई हमने अपनी डिलीवरी आप सभी को पता जैसे कि हमने दे दिया भाई, लेके जाओ भाई। ओके भाई, मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो ओके मॉम, ओके ओके बाय। अब मम्मी को सरप्राइज ज्यादा भाई हमने, पर कोई नहीं, चलो भाई सबकी इच्छा से। मम्मी ने सबसे ज्यादा पेरेंट्स नहीं कहा था कि इसको भेज दे, अब इतनियों का क्या करेगा, तो मेन इनका ही था भाई। बाकी हम बात करेंगे बाद में। और भाई ने लास्ट चांस हमको दिया ड्राइव करने का, तो मैं इसको एक बार फटाफट घुमा के ले आता हूं। भाई मैं पूरी मार्केट ढोल लिया था, कोई इसकी वैल्यू ही नहीं लगा रहा था यार। वो महिंद्रा वालों फर्स्ट चॉइस ने तो कुल 18 लाख लगाए, मारुति ट्रू वैल्यू वाले 19 लाख लगाए, ओएलएक्स ऑटो वाले ने तो मना ही कर दिया लेने से ही। और तो सब बेकार ही है, स्पिनी थोड़ी ठीक ठाक सी हेड दे रही थी, पिछली बार तो इन्होंने भी हद करी थी भाई, गुथाईबाजगी थी इनसे बहुत तेज, बहुत तगड़ी। फिर इनके हेड वेड का किसी का मैसेज आया, सॉरी सर सॉरी सॉरी ऐसे कर करा के, वो उन्होंने मिरर रिप्लेस की जगह उन्होंने मीटर रिप्लेस पढ़ लिया, पता नहीं कैसे ही बंदे बिठा रखे। तो इस बात पे काफी उनसे मेरा पर्सनल ऑफ कैमरा या ऑफ इस लाइफ के कलेश चलता रहा रियल लाइफ में, पर कोई बात नहीं भाई, चलता रहता सिस्टम। एट द एंड ली अब भी स्पिनी वालों ने, तो यार बहुत प्यारी गाड़ी थी, आई विल मिस इट फॉर श्योर। अब भाई को देते हैं, ये आगे कहीं पे भेज देंगे इसको, लास्ट टाइम इन गलियों में डोल रही है ये। तो भाई वेरी नाइस, ये दोनों गाड़ी रख देता हूँ, दोनों चाबी। लो भाई चाबी यहीं रख रहा हूँ, ठीक है। लो लो भाई, ठीक है सर, ओके। नंबर भी साथ किया बाय बाय एन, अब किसी और का एंजॉय करो, हमारे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। तो ये थी वही वीडियो, कल की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मेन रीजन हमने क्यों अपनी स्कॉर्पियो सेल कर दिए है। मेन रीजन था हमारे बच्चे को ये पसंद नहीं आ रही थी, ये कह रहा था पसंद आ रही खूब बढ़िया गाड़ी, पर ज्यादा है ज्यादा इतनी जगह पैसा में जंग लगे। चलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद, माँ का आशीर्वाद साथ रहना चाहिए, और तो क्या ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपनी फोर्ड एंडेवर के साथ बेहद खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। लाइक करें, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।